अच्छा सुनो, मैं और मीशा भी तानिया के घर से वापस जा रहे हैं। तुम हमारी तरफ आ जाओ, एक जरूरी बात करनी है। क्या क्या बात करनी? घर आओ तो बताऊंगा। अच्छा मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, शाम तक आ जाओ या शाम से पहले, लेकिन आना जरूर है तुमने, क्योंकि कल से मैं फिर मसरूफ हो जाऊंगा। आज मैं फ्री हूँ। अच्छा यार, कहा ना आऊंगा, आ जाऊंगा, डोंट वरी। ओके बाय। Let's see, क्या होता है? तानिया ने मेरी और जासिम की खुशी के लिए अपनी हर आरजू, हर खुशी को कुर्बान कर दिया। उस बेचारी ने तो हमेशा कुछ खोया ही है। उसकी अम्मी की तबीयत भी खराब रहती है, उसे सहारे की जरूरत थी। और अगर तुम्हारे अब्बू से शादी करके उसे सहारा मिल गया तो रामेश, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसने गुनाह नहीं किया, बाकायदा निकाह किया है। और यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम बिछड़ेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। हमारे ग्रुप में से तानी और अदनान तो ऐसे बिछड़े के बिखर ही गए। अदनान का मुस्तकबिल तो मालूम नहीं क्या है। और अगर तानिया को किस्मत ने तुम्हारे डैड के हाथों समेट लिया तो क्या गलत हुआ? परेशान मत, सब मिले हुए हैं। राहिल, रमा, रामेश, तानिया, सब मिलकर मेरे हक पर टाका डालना चाह रहे हैं, जहर घोलना चाह रहे हैं मेरी जिंदगी में। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी, नहीं जीतने दूंगी किसी को भी। ये सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते ये लोग सब मुझे। मैं देख लूंगी, एक एक को देख लूंगी, और उस तानिया को, उसको तो मैं जरूर देखूंगी। जिसने मेरे राहिल को मुझसे दूर कर दिया है, मुझसे छीनने की कोशिश की है, उसको खुद को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि खुद ब खुद अपना बोरिया बिस्तर उठा के राहिल की जिंदगी से दफा हो जाएगी। मुझे ऐसे ही करना, और ऐसे ही करना चाहिए मुझे, बल्कि इसकी तबीयत मैं अभी साफ करती हूँ।